से बहुत ही मज़ा आता है अपने को डेथ के बारे में बात करने में। और मेरी ज़िंदगी के सबसे लो पॉइंट जो रहे ना, उनमें मुझे जीने की ताकत और ज़्यादा मिल गई कि एक मिनट, सिर्फ पैदा होकर मरने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे हैं। तो 2009 जब 2009-10 में एक शेर लिखा था एक बार कि मेरे दो चार ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, मेरे दो चार ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, ज़िंदगी चाहे गुमनाम रहे पर मौत में मशहूर चाहता हूँ। प्लेन में जब बादलों में जब प्लेन गड़गड़ाता है तो अब एक दो बार अपने को ना बिजनेस में बैठने का मौका मिला ऐसे, ठीक है, बड़ी प्रिटेंशियस जगह। मतलब मुझे इतना दिल टूट गया मेरा देखकर कि जब बादल गड़गड़ाए तो जैसे इकोनॉमी में ना लोग थोड़े हिल जाते हैं कि क्या हुआ, बिजनेस में वो भी नहीं होता है वैसे, मतलब ऐसे मरे वैसे पड़े रहते हैं। मैंने कहा हार्ट अटैक तो मतलब कितनी अफसोस की बात है कि आप इतनी आगे पहुंच गए कि आप अपने डर तक नहीं बता सकते लोगों को। तो मैंने एक फिल्म देखी थी नौ निहाल, उसमें किसी बहुत एक्स प्राइम मिनिस्टर की एक फ्यूनरल की तस्वीर है और मैं 14 साल का था और मेरे को वो हो गया कि खाऊं ऐसी ही चीज़ ज़िंदगी में। तो मेरे को जो पसंद आता था मेरे को लगता ये भी खाऊंगा मैं। जैसे मैंने न्यूक्लिया का राजा बाजा का वो देखा था लॉन्च, NSCI डोम कहते हैं उसको, हाँ। तो मेरे को हो गया स्टेडियम खाना है। साल भर बाद जब मुझे मौका मिला अमेजन प्राइम का स्पेशल करने का तो उन्होंने कहा करोगे यहाँ रंग मंदिर में या यहाँ करोगे, मैं कहने तालकटोरा स्टेडियम खाऊंगा। तो बड़ा ऐसे वो वाली बात है ना कि मेरे को ना वैसे मेरा मन है तो जब भी प्लेन गड़गड़ करता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले लगता था कि यार मर गया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं क्या करना चाहता था ज़िंदगी में, पर अब मुझे लगता है कि इनफ अनरिलीज्ड फुटेज है कि कोई डॉक्यूमेंट्री तो बना ही देगा। फिर मेरा सर्वाइवल टेक ओवर करता है कि भाई डॉक्यूमेंट्री सुपर हिट भी हो जाएगी तुम्हें पता चलेगा क्या, नहीं ना, बायोग्राफी फ्लॉप भी होगी तो तुम्हारी आंखों के सामने होगी, जीते रहो जिंदा रहो भाई। तो मैंने एक नज्म लिखी है जिसके साथ लास्ट कुछ कहा है कि जो मेरे अपने लोग हैं ना, तो मैं जब भी किसी से बहुत नाराज़ हो जाता हूँ ना तो मैं बस उनसे पलट के ये कहता हूँ कि और एक दो बार से ज़्यादा मैंने कहा नहीं होगा ये। जब मैं किसी से बहुत नाराज़ हुआ तो मैंने बस उनको ये कहा था कि सुनो मरने पे भी मत आ जाना मेरे। तो हाँ, तो ये नज़्म है। कहा है कि मेरा सब बुरा भी कहना पर अच्छा भी सब बताना, मेरा सब बुरा भी कहना पर अच्छा भी सब बताना, मैं जब जाऊँ इस दुनिया से तो मेरी दास्तां सुनाना, ये भी बताना कि कैसे समंदर जीतने से पहले मैं हजारों बार छोटी छोटी नदियों से हारा था, ये भी बताना कि समंदर जीतने से पहले मैं न जाने कितनी छोटी छोटी नदियों से हजारों बार हारा था, वो घर वो ज़मीन दिखाना कोई मगरूर जो कहे तो शुरुआत मेरी बताना, बताना सफ़र की दुश्वारियाँ मेरी ताकि कोई जो मेरे जैसी ज़मीन से आए उसके लिए नदी की हार हमेशा छोटी ही रहे और समंदर जीतने ख्वाब उसकी आँख से कभी जाए ना, पर उनसे मेरी गलतियाँ भी मत छुपाना, कोई पूछे तो बता देना कि किस दर्जे का नाकारा था, कह देना कि झूठा था मैं, बताना कैसे ज़रूरत पर काम ना आ सका, वादे किए पर निभा ना सका, इंतकाम सारे पूरे किए पर इश्क अधूरे रहने दिए, बता देना सबको कि मैं मतलब ही बड़ा था, हर बड़े मकाम पे तन्हा ही खड़ा था, मेरा सब बुरा भी कहना अच्छा भी सब बताना, मैं जब जाऊँ इस दुनिया से तो मेरी दास्तां सुनाना। बहुत उम्दा भाई, बहुत बहुत उम्दा। जाकिर, मैं आपने इतना कुछ कह दिया है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ बिजनेस हो या इकोनॉमी, आदमी में पहले क्लास चाहिए होती है और वो तुम में है। प्लीज़ गिव योर हैंड्स अप फॉर जाकिर। दिस वॉज द मोस्ट इंटीमेट सेशन आई हैव एवर हैड द प्लेजर ऑफ होस्टिंग विद समवन एज वंडरफुल। बहुत थैंक यू जाकिर, थैंक यू सो मच।